फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यह है कि हम अपने फसल के बारे में बात करने वाला है। तो फसल के बारे में बात करने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं कि जो भी बंदा मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पहले से किया हो उसका धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा चैनल पर जुड़े, और मुझको भी एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी को कुछ बढ़ावा देना चाहिए। तो हम दिखाने हैं हम हमारा फसल जो है कैसा हुआ है, आप लोग बताइएगा। जो बड़े किसान है वो जानते होंगे कि कैसा फसल होता है, और काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने के चलते अब आना थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है, तो हम आए हैं और दिखाएंगे। इधर देख सकते हैं, इधर मेरा खेत है। तो मैंने लगभग डेढ़ बीघा के लमसम मेरा खेत है, तो इधर हम दिखाते चलते हैं आपको, और पीछे को बैक कैमरा कर लेते हैं तो हम दिखाएंगे। यहाँ पे मेरा फसल जो लगाए हैं गेहूँ का, भी जो गेहूँ का खेती किए हैं उसमें अब दिखाते चलते हैं आपको। इधर थोड़ा बीज कम है, तो यहाँ पे थोड़ा कम जमा है, तो इधर हम दिखाते चलते हैं आपको कि मेरा खेत का धान जो गेहूं का फसल है वो कैसा हुआ है। तो इसमें सरसों थोड़ा बहुत डाल दिया है कि इसलिए कि थोड़ा सरसों भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इधर से जो है ना, तो डेढ़ बीघा का अंतर्गत मेरा जो है खेत है, तो इधर हम आए हुए हैं घूमने। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को डाला जाए। तो गेहूँ का फसल बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कैसा हुआ मेरा गेहूँ का फसल। तो अब फॉर्म पे नहीं रहने का कारण ये हुआ कि हम थोड़ा आज मन गया घूमने को, तो इधर चले आए। और मैं भी सोचा कि क्यों ना आज इसको भी, इस गेहूं का फसल जो लगाए हैं इसको आज डाला जाए, वीडियो शूट किया जाए, इसी के माध्यम से आज शूट किया जाए। तो आप लोग बताइएगा, और जो मैं तो यही चाहता हूँ कि किसान बड़ा हो या छोटा, किसान एक किसान ही होता है। ज़्यादा खेती करे या कम खेती करे, किसान किसान होता है। तो इधर जो है देख सकते हैं, इधर मसूर का फसल लगा हुआ है, और यहाँ से देख सकते हैं सरसों का और मसूर का फसल है, इसी में सरसों और मसूर। तो हम यहाँ पे चलते आ रहे हैं, आपको आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोग बताइएगा, और जो बड़े किसान है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरे फसल जो है वो कैसा हुआ है। और मैं यही सोचता हूँ कि हर एक जो भी मैं करता हूँ, तो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो मैं जो है ना वो मैं यही चाहता हूँ कि गलत करूँ या सही करूँ, तो गलत करूँगा। तो उस गलत बात को जो बड़े किसान होंगे वो ज़रूर कुछ सुझाव देंगे हमको कि नहीं ऐसे कीजिए बाबू, तुम्हारा फसल अच्छा रहेगा। तो ऐसा बात नहीं है, जस्ट मैंने कोचिंग से आया और देखा कि चलो घूमने भाई चलते हैं, तो इधर मैंने आया तो अपने खेतों में मैंने घूम रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी को हम वीडियो डालें, तो जो बड़े किसान है वो हमको बताएंगे कि कैसा ऐसे करो बाबू, तो हम ऐसा करेंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो है देख सकते हैं, इधर क्या गांव का मज़ा ही कुछ अलग होता है गांव में रहने का। जो कोई बंदा शहर में रहता है तो बोलता है गांव में आने का मज़ा है, और हम लोग जाते हैं शहर में, तो शहर में तो जाने का मज़ा कुछ अलग फीलिंग होता है यार लोग की, फिर भी हम शहर में हम लोग का मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता है कि क्योंकि उसमें एनी टाइम घर में ही रहते हैं। मैं शहर में गया हूँ ऐसा बात नहीं है, और गांव का ब्लॉग वीडियो देखने में कुछ अजब का फीलिंग होता है। और इधर जो है मिर्च का फसल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मिर्च का फसल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी से मिर्च का फसल लगा हुआ है, और उधर बहुत ज़्यादा मिर्च की खेती है इसमें, इधर से तो बहुत ज़्यादा खेती किया है किसान। प्रयास कीजिए और सिखाने का प्रयास कीजिए कि मतलब ऐसा बात नहीं है कि मैं कुछ आगे जा सकता हूँ, और खेती में थोड़ा गांव में आया हूँ तो खेती गृहस्थी में थोड़ा करना ही पड़ता है। गांव में जो बंदा रहेगा जिसका पिता किसान है वो जरूर कुछ अपने हेल्प करेगा और सीखेगा अपने की अपने पिता से। ऐसी बात नहीं है कि हम पढ़ते हैं तो काम नहीं करेंगे, अरे भाई ऐसा नहीं है। मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, किसान का जो बंदा जो किसान का बेटा है वो ज़रूर खेती करेगा, पशु रखेगा। तो उसी तरह मैं भी अपने पिताजी का काम में हाथ बढ़ाता रहता हूँ। मेरा पिताजी एक मजदूर है, वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक नहीं उत्साह जगता है कि कोई भी पिता चाहता है या कोई भी घर जीवन भर का चाहता है कि नहीं मेरा बेटा पढ़कर कुछ अच्छे काम करे। तो इसी वजह से मेरे पिता जो है वो कहते हैं, या कोई भी आदमी हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, ज़रूर बोलेगा कि नहीं मेरा बेटा पढ़कर अच्छा काम करे। तो उसी तरह से हम पढ़ते हैं ज़रूर, कोई भी बंदा हो, वह गरीब का हो या अमीर का हो, पढ़ता है ज़रूर। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम जो हमारे पिताजी काम करते हैं उसमें हम अपने पिता का हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं, ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो
इसी वजह से मेरे पिताजी है जो उनके काम में मैं हाथ बढ़ाता रहता हूँ। वैसी बात नहीं है कि मैं हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, ज़रूर हाथ बढ़ाऊँगा। और जिनके पिताजी बिजनेस मैन है वो ज़रूर अपने पिता का बिजनेस में जो है हाथ बढ़ाता रहेगा। तो आप लोग बताइएगा मेरा गेहूं का फसल कैसा हुआ है। और उधर मसूर जो मैंने थोड़ा इस वजह से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वो खेत, गेहूँ और मसूर ज़रूर लगाए हैं उसमें, तो जाएंगे तो उधर भी एक दिन शूटिंग करेंगे। और फार्म जो है गाय एक ही है मेरे पास, तो गाय और बकरी है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे। और 3 वीडियो शूटिंग करनी है, तो आज यही वीडियो जाएगा, आज या कल जाएगा। और एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी वजह से तब तक ले दूसरे जो है उसी के इंतज़ार में रहेगा। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।